दिस इज गेटिंग अनबियरेबल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है SM ब्लॉग्स। और भैया आज डेट हो गई है 22 अप्रैल 2021 और टाइम हो गया है आपका 1:30 एग्जैक्ट। भाई आज का क्या ही बुरा दिन रहा है सुबह से। स्टोरी अपनी भैया स्टार्ट होती है कल से, मतलब कि 21 अप्रैल 2021 से। कल मैं आया हूँ जम्मू से वापस और पिछले 2 दिनों से मैं सो नहीं पाया था ढंग से, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी मेरी थकान की वजह से। सो सिस्टम ये था कि घर वालों का कल कॉल आया कि बेटा घर आना है। ओ समवन इज कॉलिंग मी। तो कल घर वालों का कॉल आया कि बेटा घर पर आना है। आई वॉज लाइक ओके आ जाऊँगा। सो आई थॉट कि एक काम करूँगा रात को निकलूँगा, रात को लगभग 12-1 बजे मैं बाइक से आराम से निकलूँ और मॉर्निंग तक पहुँच जाऊँगा, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने ऐसा सोचा और मैं आया, काम वाम किया, थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए लेट गया। मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा है, बाइक राइड कर रहा हूँ, लास्ट टाइम जैसे पंगी हुए थे वो नहीं होने चाहिए, तो इट्स बेटर कि रेस्ट कर लो। तो मैं सो गया, आई थिंक 11 बजे के आसपास मैं सो गया। मैंने सोचा 2 घंटे का रेस्ट लूँगा और मस्त आराम से फिर चलेंगे। पता लगा 11 बजे के सोए सोए मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ और 6 बजे उठते ही मेरे साथ जो कांड हुआ है ना, दैट इज़ कि मेरी जो रिब बोन्स होती हैं इसके जस्ट पीछे यहाँ पे इस वाले एरिया में मेरे को पेन होना स्टार्ट हो गया काफ़ी गंदी तरीके से। और मतलब बेसिकली ये सिस्टम है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ ढंग से। मैं सांस अगर ले रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ले रहा हूँ, तो मेरी ये पूरी रिब्ड बोन्स और ये पूरी पेन कर रही हैं। आई गेस जब मैं सो रहा था उस टाइम पर मेरी किसी नस वगैरह कुछ दबदबा गई है, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरा दिन मेरा बर्बाद किया है सुबह से लेकर के अभी तक का टाइम। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि मैं चला जाऊँ घर। ये तो ठीक नहीं हो रहा है अभी, देखते हैं, हो सकता है कि बाइक चलाते चलाते ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक ही जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिक ही शायद ठीक हो जाए। सो यस लेट्स गो। अभी मेरा बैग रेडी है, ये रहा मेरा बैग, हेलमेट वो रहा, जैकेट मेरी रेडी है। चलो भैया मिलते हैं आपसे। चलो तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। और हाँ मैं भी मोदी जी हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जैसे 1 साल में नहीं सीखा कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, वैसे मैंने 1 महीने में नहीं सीखा कि मुझे नए ग्लव्स की ज़रूरत है। भाई साहब जैकेट पहनने के बाद मुझे पता है कैसा लग रहा है, अंदर कितनी गर्मी, कितना ज़्यादा वो हो रहा है। एक प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा बाइक का रेन कवर, हाँ ये मैंने वायर से मैंने बांधा हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ रखूँ। जो डिग्गी है बाइक की वो भी फुल भरी हुई है, बैग पूरा भरा हुआ। अब मैंने ये सोचा है कि इसको ना बैग और बैग के बीच में ऐसा करके मैं दबा लूँगा, दैट्स द ऑप्शन मेरे पास में, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। टाइम हो गया भैया 2:17 और ट्रिप अपनी हो गई है, जीरो करते हैं। यस ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पहुंच चुका हूं द ग्रैंड वेनिस। और हाँ आज एक नया रूट ले रहा हूं, ये एक्चुअली वेनिस के आगे वाला जो गोल चक्कर है वहां से मुझे लेफ्ट टर्न लेकर के निकलना है। आई डोंट नो, इस रूट पर मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूं और वो भी ये वाला रूट मैं केवल इसलिए ले पा रहा हूं क्योंकि दिन में राइड कर रहा हूं। ओके यहां से मुझे जो है लेफ्ट में टर्न होना है। यस लेट्स गो। आई गेस ये नया यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह चल रही है, नया सेक्टर बन रहा है कोई, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है चीज़ें और बढ़ेंगी। यार पता है मैंने गलती कर दी भाई साहब, आउच अभी भी पेन हो रहा बहुत ज़्यादा, मैंने गलती कर दी आई गेस आकर के, क्योंकि दिस इज़ गेटिंग अनबियरेबल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब जो भी है देखो यार, निकल तो आए हैं, तो अब अगर निकल आए हैं तो फिर राइड तो पूरी होगी, ऑब्वियसली बात है। आई डेस्परेटली नीड अ GoPro, सीरियसली मैन आई डेस्परेटली नीड अ GoPro, क्योंकि फ़ोन से फुटेज जो है ना मतलब क्या बोलते हैं, वो क्वालिटी नहीं आती है यार, फ़ोन की फुटेज से वो क्वालिटी नहीं आती है। एंड मैं बिना शूट किए हुए मैं रह नहीं सकता हूँ। आई विल ट्राई टू बाय अ GoPro, लेट्स सी ये भी ख्वाहिश कब पूरी होती है। मैं
अलीगढ़ जस्ट निकला हूँ, टोल रोड समाप्त हुआ है और यहाँ से नया रोड चालू हो रहा है, मतलब वही बिना टोल वाला रोड यहाँ से चालू हो रहा है। और इसके अंदर भाई साहब गर्मी लग रही है और प्लस मेरी अभी भी सांस वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, अब तो पहुँच ही जाएंगे। कितने यार, 5 बज गए हैं। बाप रे, जस्ट टोक अ ब्रेक आफ्टर 156.4 किलोमीटर्स। मैंने पता, मैंने एक्चुअली में गड़बड़ कर दी थी कि मैंने जो है रुमाल नहीं बांधा, उसकी वजह से बालों की हालत ख़राब हो गई है, बट क्या कर सकते हैं। आई टोक अ ब्रेक हियर और रॉयल ट्री होटल एंड रेस्टोरेंट, ये पड़ेगा आपका सिकंदरा राव जो है ना अलीगढ़ के बाद में, जो आपका सिकंदरा राव पड़ता है उसकी रेलवे क्रॉसिंग को जैसे ही क्रॉस करोगे तुरंत पड़ता है ये वाला। 6:05 है अभी, जस्ट टोक अ ब्रेक, चाय पीऊँगा और कुछ थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का खाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं करना है अभी, और जाना है अराउंड 150 किलोमीटर और पड़ेगा। सही टाइम पर ब्रेक ले लिया, इसके बाद में कोई ब्रेक नहीं लूँगा जहाँ तक उम्मीद है। लेट्स सी बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी सर, अपना सनसेट होने वाला है, टाइम हो गया कितना, 6:36। आई एम ऑल सेट टू गो, चलो निकलते हैं। मोर 120 आई गेस किलोमीटर्स टू गो, लेट्स सी बाकी का। चलो अभी तो कुछ दूर तक ये जो है ना सिंगल रोड रहेगा, देखते हैं। इट्स 7 o'clock एंड आई नीड टू रीच होम बाय 9, लेट्स सी कितना पॉसिबल होता है या नहीं होता है, देखते हैं। अगर ऐसा ही अगर हाईवे मिल गया मुझे तब तो आराम से पॉसिबल हो जाएगा, और अगर हाईवे नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी का तो यार क्या ही बोले, आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार भाई NHAI कि अभी देखो मैं कब 1 अप्रैल को गया था ना, तब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस थे, काफ़ी कम रोड बना हुआ था, और आज है 22 अप्रैल, इतनी जल्दी मतलब आई गेस 80% काम पूरा हो चुका है मतलब हाईवे का। कुछ कुछ जो पैचेस बचे हैं बीच बीच में जिनका बाकी नहीं, तो मेरे हिसाब से तो पूरा ही हो गया यार काम तो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स 8:20 एंड फाइनली मैं अपने नए वाले घर पे पहुंच गया हूँ, मतलब मैं अलीगंज पहुंच गया हूँ, और मुझे लगभग 12 किलोमीटर और मुझे चलना है। सो यस, 241 किलोमीटर हो चुके हैं और बस अभी 12 किलोमीटर बचा, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा मुझे, टाइम क्या यार उधर साइड ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अराउंड 15 से 20 मिनट मान लो। मतलब कि मेरा जो सीन था कि 9 बजे से पहले पहुंचना है, मस्त आराम से पहुंच सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यस, हाँ मज़ा आ गया। लेकिन आज की राइड ना, आज की राइड भाई साहब एक नंबर हुई है, मतलब समझ रहे हो, ग्रेटर नोएडा से निकला सीधा मैं सिकंदरा राव, आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर का ब्रेक हुआ था वहाँ पर, हाफ एन आवर के लिए रुका और वहाँ से डायरेक्ट राइड यहाँ पर हुई है भाई, एक नंबर। भाई देखिए एक बात बताना चाहूँगा, जो अलीगढ़ से लेकर के जो ये एटा तक का जो रोड बन रहा है, कसम से बता रहा हूँ, चुम्मा रोड बन रहा है भाई, कसम से बता रहा हूँ। मतलब ये बाइक 110 सीसी की बाइक जो है, इसको भगाने का मन कर रहा था कि इसको थोड़ा सा तो और पुश कर सकूं, बट क्या करें, ये प्यारी 110 सीसी की बेचारी। सो यस, फाइनली जस्ट सीज, इट्स 8:40। भाई साहब मैंने बोला था ना बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, मतलब कितना टाइम लगा अपने को, 6 घंटे 10 मिनट लगे अपने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि अपन निकले थे 2:30 बजे, 2:30 पर निकले थे, और क्या टाइम हो रहा है, 8:40 हो रहा है, 6 घंटे 10 मिनट। भाई साहब अगर वो पता सिकंदरा राव में अगर ज़्यादा लंबा अगर वो ना होता ना ब्रेक अपना, तो जल्दी कर लेता, बट आई एम हैप्पी, टुडेज राइड वॉज, मज़ा आ गया भाई साहब। एक तो रोड क्या बढ़िया रोड बन गया है, मस्त। चलो मिलते हैं, जरा फ्रेश व्रेश हो जाऊँ। 1 hour later, दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। यस, अभी अभी गेहूँ की खनाई हुई है, तो गेहूँ के अभी देखो ये सारे के सारे कितनी बोरी निकली हैं, 30 बोरी गेहूँ निकले हैं, सामने भूसा रहा है अपना, और 20 बोरी गेहूँ के रख कर के आएंगे घर पे, और उसके बाद में फिर भूसा लेने के लिए आएंगे, पूरी रात का काम है। चलो यहाँ से हो गया सारा सामान, सारा गेहूँ इसके अंदर लाद लिया, भूसा बचा है वो अपना देखते हैं रात को या तो निकालेंगे या फिर कल सुबह, तो नहीं भाई सब दिन में तो नहीं हो पाएगा अपने से। इट्स 11 PM इन द नाइट, और भाई साहब देख रहे हो ये किसी का देखो, मतलब जो पड़ोसी हमारे उनका देखो गेहूँ खन के आए हैं, पीछे थ्रेसर लगा हुआ है, बीच में ट्रॉली, आगे ट्रैक्टर है, ट्रॉली में गेहूँ भर के आए होंगे, ये थ्रेसर गया होगा तो भी बस खन के आए हैं इनके, मेरे वाले गेहूँ अभी आ रहे होंगे, मतलब कोई इतना पता नहीं, अभी टाइम लगेगा उनको आने में। सो यस,
काइंड इन्फॉर्मेशन, 11 PM बहुत रात हो जाती है गांव के हिसाब से। गांव में मतलब 9 बजे रात हो जाती है, 9 बजे सब लोग सो जाते हैं, 11-12 और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर रात के 11 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी जाओगे ना खेतों के अंदर, भाई साहब ट्रैक्टर चलते हुए मिल जाएंगे, गेहूँ की खनाई कंटिन्यूसली चल रही है दबा के। द नेक्स्ट डे the next day find somebody who loves you, somebody who